हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम बैक टू दीप स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम बर्ड सेंचुरी को कवर करेंगे। इसे स्टैटिक जीके का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाल ही में जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 22 मई को, उसमें जो है बर्ड सेंचुरी का क्वेश्चन पूछा गया था, मैचिंग वाला। वट इज़ बर्ड सेंचुरी? फ्रेंड्स, बर्ड सेंचुरी एक्चुअली होती क्या है? एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, एक ऐसा लैंड एरिया होता है जिसमें जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उसको संरक्षित किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। बर्ड के साथ उनकी जितनी भी स्पीसीज होती है, उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, और जो उनकी ब्रीडिंग है, उनकी जो प्रजनन है, उसको भी इनकरेज किया जाता है बर्ड सेंचुरी के अंदर। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है। इसमें ये कंट्री के जितने भी वाइल्ड एनिमल है, चाहे वो पक्षी है, एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज है, सभी चीज़ों को इसमें क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। इन ऑर्डर टू इंश्योर इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, सो दैट हमारा जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है ये बिल्कुल सिक्योर रहे। फ्रेंड्स, अब हम स्टेट वाइज जो बर्ड सेंचुरी है, कौन सी स्टेट के अंदर कौन सी वाली है, उसको हम देखते हैं। साथ ही साथ हम ट्रिक के जरिए उसको याद करने की कोशिश भी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम स्टेट वाइज देखें, टोटल इंडिया के अंदर अराउंड 72 जो बर्ड सेंचुरी हैं और 1210 के आसपास बर्ड के स्पीसीज है हमारे इंडिया के अंदर। अगर हम पंजाब की बात करें, इसमें है हरीके लेक बर्ड सेंचुरी। इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे पंजाब में बर्ड आ रहा है जाब, जाब को हम रिलेट करेंगे अगर जॉब से, तो अगर हमें जॉब चाहिए तो हम किसका नाम लेते हैं, हम हरी का नाम लेते हैं कि हे भगवान हमारी जॉब लग जाए। हरी मीन्स के भगवान, तो हम जॉब के लिए हरी का नाम लेते हैं। हरी से हरी के याद रहेगा और जॉब से पंजाब याद रहेगा। फ्रेंड्स देखो, आपको ये एग्ज़ाम में लिखना नहीं होता कि एग्जैक्ट कौन सी स्टेट के अंदर कौन सी वाली है, आपको एग्जैक्ट इसके जो है नेम याद करने की ज़रूरत नहीं होती। एग्ज़ाम में आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आपको इजी एक हिंट चाहिए होता जिसके साथ आप इजीली से एलिमिनेट कर पाओ। हरियाणा में है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बर्ड सेंचुरी भी है, और खापरवास बर्ड सेंचुरी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? फ्रेंड, जैसे आप सबको पता होगा कि जो सुल्तान मूवी है पूरी की पूरी हरियाणा के ऊपर बनी हुई है, जो उसमें गीता बबीता दिखाई हुई है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, हरियाणा से। तो आप ऐसे याद रखोगे कि हरियाणा के जो सुल्तान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, हरियाणा के जो सुल्तान हैं वो पहलवान हैं। पहलवानों का जो खाना पीना होता है बहुत एकदम से खुला होता है, बहुत ही अच्छा अच्छा सा खाना खाते हैं, घी वगैरह का। लेकिन जो सुल्तान की मदर है वो सुल्तान को बोलती है कि तू अपनी बॉडी बनाने के लिए कुछ भी खा, लेकिन कुछ भी खा पर हरी सब्जी खा, खा पर हरी सब्जी खा। खा पर से खापर वर्ड सेंचुरी, किसको बोला, सुल्तान को। हरी से हरियाणा याद रहेगा। और जो सुल्तान हो, हरी सब्जी में कौन, फ्रेंड्स भिंडी भी आ जाएगी, हरी सब्जी में भिंडी भी आ जाएगी। सुल्तान की मदर बोलती है कि तू अपनी बॉडी बनाने के लिए कुछ भी खा पर हरी सब्जी खा, हरी सब्जी में भिंडी खा। उत्तर प्रदेश, यूपी में कौन कौन सी है पहले हम एक बार देख लेते हैं। पटना बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, दसराना बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ओखला सेंचुरी, बखीरा सेंचुरी, समन सेंचुरी, समसपुर सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी एंड सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे? फ्रेंड्स, हर एक की अपनी अपनी ट्रिक हो सकती है। मैंने एक कोशिश की है, अगर इस वाली से आपको याद रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप याद कर सकते हो। अगर आपके पास अपनी खुद की है तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। तो ये देखो, हम ऐसे सोचते हैं कि जो पटना का एक नवाब है, पटना का एक नवाब है, वो राणा से पूछता है कि राणा कि आपको इस बात का उत्तर पता है। नवाब ने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, जैसे नवाब होते हैं उनका एक महल होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों से उन्होंने सवाल पूछा, किसी के पास उसका उत्तर नहीं था। तो राजा ने, जो नवाब है, उसने राणा की तरफ देखा और पूछा कि राणा
क्या आपको इस बात का उत्तर पता है? राणा ने बोला हाँ पता है। तो नवाब ने कहा कि अगर तुम्हें पता है तो खड़ा क्यों है, अगर पता है खड़ा क्यों है दस ना, दस मीन्स की बता ना, अगर तुझे पता है तो बता ना, मीन्स की उसे गुस्सा आ गया कि बता ना बक, जैसे हम फ्रेंड्स एक दूसरे को बोल ही देते हैं कि बक बक यानी कि बता, है ना, तो बक ना खड़ा क्यों है, नवाब ने बोला। ठीक है, नवाब को गुस्सा आया कि इतनी देरी से मैं पूछ रहा हूँ, सबको कोई उत्तर नहीं दे रहा, तुझे पता है तो फिर भी नहीं बोला, तो नवाब को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। तो उसने क्या कहा, गुस्से में उसे उठाकर पागल सांड के आगे फेंक दिया, पागल सांड के आगे फेंक दिया। और सामने से अगर, सामने से समन और समस्कुर, तो राणा ने सामने से सांड आता देखा तो उसके जो सुर है डीले हो गए, डर के मारे उसके सुर डीले हो गए। तो कैसे याद रखेंगे, पटना का नवाब यानी कि पटना बर्ड सेंचुरी, नवाब से नवाबगंज, जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसको आपने देखना है। राणा से पूछा से दस राणा, दस राणा से थसराना बर्ड सेंचुरी, अर्गा से आगरा, वैसे भी आगरा जो है यूपी के अंदर है, आपने याद रखना है। ओखला सेंचुरी ये है यूपी के अंदर, बाकी बखीरा सेंचुरी, समन सेंचुरी, समसपुर, सांडी और सुर सरोवरी, ये सारी कहाँ पर है, यूपी के अंदर। लक्षद्वीप, फ्रेंड्स लक्षद्वीप ये एक महाद्वीप है, इसमें है पिट्टी बर्ड सेंचुरी। देखो पिट्टी बोलने में मिट्टी जैसा लग रहा है, मिट्टी जो है द्वीप होते हैं, महाद्वीप हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी होती है, सॉयल होती है, तो मिट्टी से याद रहेगा पिट्टी बर्ड सेंचुरी। उत्तराखंड, उत्तराखंड में असन मिराज बर्ड सेंचुरी, जिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व, ये एक बर्ड सेंचुरी है। कैसे याद रखेंगे, खंड मीन्स की चीनी, जो चीनी होती है, जो अच्छे लोग होते हैं वो चीनी की तरह, खंड की तरह सबसे मीठा बोलते हैं, अगर मीठा बोलेंगे सबसे मिलजुल कर रहेंगे, और उसका उनका किसी के साथ बैर भी नहीं होगा, बैर यानी कि लड़ाई, बैर से बिराज, आसान बिराज बर्ड सेंचुरी, मिलकर रहेंगे तो जिलमिल, और खंड जैसे चीनी जैसे मीठे होते हैं तो खंड से उत्तराखंड। गोवा, गोवा में है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखूंगी, जो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया है वो कौन है, डॉक्टर सलीम अली, जो डॉक्टर सलीम अली है इन्हें ही बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ऐसे भी आपने याद रखना है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, सलीम अली। सलीम अली कहाँ पर है, ये नेशनल पार्क गोवा के अंदर। अगर हम लोग जो है गोवा जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं, गोवा में जाते हैं ताकि हम अच्छे दिखें, घूमने जाते हैं, घूमने जब हम घूमने जाते हैं तो हम सबको होता है कि हम वहाँ पर जो है अच्छे दिखें, अच्छे दिखें मीन्स कि हम स्लिम होकर जाते हैं। वैसे भी गोवा की जो लड़कियाँ होती हैं, हम याद रख सकते हैं कि गोवा की लड़कियाँ जो होती हैं स्लिम होती हैं, क्या होती हैं, स्लिम होती हैं, स्लिम से सलीम अली, कहाँ की लड़कियाँ स्लिम होती हैं, गोवा की। मिजोरम, मिजोरम में है लैंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी एक बर्ड सेंचुरी है मिजोरम। अब हमने ऐसे याद रखना है कि जो और राम की फाइट हो जाती है, जो और राम की फाइट हो जाती है, और जो राम को क्या करता है, टांग मारता है, टांग यानी कि लेग, टांग से लैंगटेंग होता है, जो राम को क्या करता है, टांग मारता है, मिजोरम लैंगटेंग। उड़ीसा, उड़ीसा में है चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी, इसे कैसे याद रखेंगे, जैसे कि चिलिका लेक, चील यानी कि चील कौवे जो पक्षी होते हैं, चील होते हैं वो कहीं भी दूरी कितनी भी दूरी पर हो क्षण भर में पास आ जाते हैं, क्षण भर में उड़कर पास आ जाते हैं, उड़ना से उड़ीसा, चील कौवे से चिलिका लेक। झारखंड, झारखंड में उदवा लेक बर्ड सेंचुरी, फ्रेंड देखो जाड़ से जाड़ी याद रखना है, जाड़ी जहाँ पर सूखे जो जाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर आग लग जाती है, आग में से क्या उठता है, धुआं उठता है, यहाँ से देखो यू को अगर हम काट दें तो धुआं बन रहा है, जाड़ियों में आग लगी, आग में से क्या निकला, धुआं निकला। नागालैंड, खोनमा नेटिव कंजर्वेशन एंड ट्रैगपन सेंचुरी, ये एक बर्ड सेंचुरी है, इसकी मुझे कुछ अच्छी ट्रिक तो नहीं मिली लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है, जैसे नाग है, सांप होता है, स्नेक होता है, स्नेक को देख के हम डर जाते हैं तो किसको याद करते हैं, मम्मी को याद करते हैं ना, हम अपनी माँ को याद करते हैं कि कहाँ हो माँ, नाग आ गया है, तो हम अपनी माँ को याद करते हैं।
तो नागालैंड से खोनुमा। दिल्ली, दिल्ली में है नाज़ाफ़रगढ़ बर्ड सेंचुरी। वैसे भी दिल्ली को दिल वालों का शहर बोलते हैं। अब हमने किसी को बोला कि भाई तू दिल्ली जा, खुश होकर जा, पर दिल से ना जा। दिल्ली जा, दिल से ना जा। तो ना जा से नाज़ाफ़गढ़, दिल से ना जा से दिल्ली याद रहेगा। गुजरात, गुजरात में है गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नालिया ग्रासलैंड, कश बस्टर्ड सेंचुरी, खिजादिया बर्ड सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, पोरबंदर बर्ड सेंचुरी एंड थोलेक बर्ड सेंचुरी। ये सभी की सभी बर्ड सेंचुरी है। इसे कैसे याद रखेंगे? जैसे गुजरात में वर्ड आ रहा है रैट, रैट यानी कि चूहा। इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि कुछ कुछ यानी कि सम, ठीक है। कुछ रैट और जो बंदर होते हैं, मंकी होते हैं, कुछ रैट और मंकी आए और उन्होंने किसी एक लेडी है, लेडी गागा ला लो आप, जो है रैट, कुछ रैट और बंदरों ने लेडी गागा के जो सरोवर है उसके सरोवर में क्या कर दिया, होल कर दिया, छेद कर दिया, होल कर दिया और उसको पूरी सरोवर में होल कर दिया। तो उसमें जो है पानी बहने लगा और उसको पूरी तरह से खिजा दिया। रैट से गुजरात याद रहेगा, गागा से गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नल से नल ग्रासलैंड और सरोवर से नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, होल से थोले। तेलंगाना, तेलंगाना में है मंजीरा बर्ड सेंचुरी। फ्रेंड्स देखो, तेलंगाना में वर्ड आ रहा है तेल, तेल यानी कि ऑयल। तेल में हम क्या करते हैं, जीरे का तड़का लगाते हैं। जैसे हम सब्जी को जोंक लगाते हैं तो हम जीरे का तड़का किस में लगाते हैं, तेल में लगाते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है बांडली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगुल बर्ड सेंचुरी, केस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे हमने रिलेट करना है, यहाँ पर है आंचल से आंचल। केस को रिलेट करना है हमने कैलाश से, कैलाश यहाँ पर शिव जी रहते थे, ठीक है। अगर हम कैलाश के आंचल में चले जाएं, आंचल में जाने का मतलब है शिव जी के पास चले जाएं, तो हमारे जीवन में जितने भी बाधाएं, इसे बांध से बाधाएं जो हमारी समस्याएं होती हैं इसे रिलेट करेंगे, बाधाएं होती हैं, जितने भी गम होते हैं हमारे, किसी के साथ पंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, सारे के सारे गम गुल हो जाते हैं, लाइक गायब हो जाते हैं। तो कैलाश से क्या याद रखेंगे, कैश, आंचल से हिमाचल, बाधाएं से बादली, गम गुल से गम गुल हो जाती हैं, से गम गुल, पंगे से पोंग डैम। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी एक बर्ड सेंचुरी है। फ्रेंड्स देखो, बंगाल को हमने बांग्ला से रिलेट करना है, जिसके पास बड़े बड़े से बंगलौ होते हैं उसको, एक राय साहब है, एक पर्सन है राय, उसका नाम क्या है, राय है, उसके पास बड़ा सा बंगला है और उसको अब अपनी मनी की हर टाइम क्या लगी रहती है, चिंता लगी रहती है। जिसके पास ज़्यादा मनी होती है उसके पास चिंता भी ज़्यादा होगी। राजस्थान, इसमें है केलादियो नेशनल पार्क, खिचन बर्ड सेंचुरी, डेजर्ट नेशनल पार्क। फ्रेंड्स देखो, जो केलादियो नेशनल पार्क है इसे एक तो केवल देव नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये रामसर साइट भी है हमारी, फर्स्ट रामसर साइट, और पहले इसे भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला, बर्ड सेंचुरी। पहले इसका नाम क्या था, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, और ये सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। अब इसे कैसे याद रखेंगे कि जो राजस्थान है इसमें केवल, केवल से, क्योंकि इसमें इसको केवल देव भी बोलते हैं, केवल देव और केलादियो। राजस्थान में केवल क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है। तो मिट्टी के कम, अगर हम मिट्टी से कंपेयर करें रेत को, तो उसमें कीचड़ भी कम होगा। कीचड़ को हम देखो, खींचन और कीचड़ को बोलेंगे तो एक जैसा ही लगता है बोलने में, ठीक है। राजस्थान में केवल, केवल से केलादियो और केवल देव नेशनल पार्क, डेजर्ट है, रेगिस्तान है सिर्फ, तो डेजर्ट नेशनल पार्क याद रहेगी, और उसमें मिट्टी के मुकाबले कीचड़ भी कम होता है, कीचड़ से खींचन बर्ड सेंचुरी को याद रखेंगे।
सिक्किम में है कीटम बर्ड सेंचुरी। फ्रेंड्स सिक्के होते हैं जो क्वाइन होते हैं, हर क्वाइन की कीमत होती है। देखो कीटम को अगर हम टी को लास्ट में ऐड कर दें तो क्या बनता है, कीमत बनता है। क्या बनता है, कीमत। तो हर सिक्के की कोई ना कोई कीमत होती है, तो कीमत से कीटम बर्ड सेंचुरी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को हम अगर इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म लें एमपी, घाटीगांव बस्टर्ड सेंचुरी, करेरा बस्टर्ड सेंचुरी एंड सालीना खारमर सेंचुरी और सरदारपुर खारमर सेंचुरी। इसे कैसे याद रखेंगे, जैसे कोई एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उसकी इलेक्शंस होती हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है, वोट चाहिए होती हैं लोगों से। तो एक गांव के लोगों ने बोला एमपी को कि अगर भाई साहब आपको हमारी वोट चाहिए तो आपको, देखो खारमर को आप वैसे भी याद रख सकते हैं, लेसर फ्लोरिकन जो है मध्य प्रदेश में है। अगर आप ऐसे नहीं याद रखना चाहते तो खारमर को अगर हम ऐसे देखें, खारमर कहीं ना कहीं फार्मर जैसा लगता है बोलने में, फार्मर। तो गांव के लोगों ने एमपी को बोला कि भैया अगर आपको वोट चाहिए तो आपको हमारे गांव के फार्मर्स के लिए कुछ करना पड़ेगा। करना से करेरा फार्मर के लिए, सालीना खारमर दोनों आ जाएंगे, और गांव के लिए घाटी गांव एमपी से मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, इसमें है मयाना बर्ड सेंचुरी, जैकबर्ड बर्ड सेंचुरी, जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी और नंदूर मधुरेश्वर बर्ड सेंचुरी। फ्रेंड्स देखो महा से महान को रिलेट करेंगे कि जो राष्ट्र महान होता है उसके पास क्या होता है, बहुत सारी माया होती है, उसके पास कोई लोन नहीं होता, माया होती है लाइक मनी होती है, मनी होती है तो हीरे जवाहरात भी होंगे। माया से मायाना बर्ड सेंचुरी याद रखेंगे, और जवाहरात से जवाहर, और जिसके पास मनी होती है, हीरे जवाहरात होते हैं, वो ईश्वर का क्या करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। ईश्वर से मध्यमेश्वर, नंदूर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी, और वो भगवान की, ईश्वर की क्या करेंगे, जय जय करेंगे, जय जय से जैकवार्ड बर्ड सेंचुरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।